नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल्स और एनसीईआरटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हम लेकर हाजिर है अपना कक्षा दसवीं का लाइव इंटरेक्टिव सेशन लेकर, और चैनल नंबर 10 पर आप हमारे साथ इस लाइव इंटरेक्टिव सेशन का हिस्सा बने, ऐसी हमारी आशा है। आप चाहें तो हमें फ़ोन कर सकते हैं ऑन 8800440559, और यू कैन सेंड अस एन ईमेल ऑन dts.class10@cieet.nic.in। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉन्टेक्ट विद अस। आप हमें चैनल नंबर 10 पीएम ई विद्या चैनल पर देख रहे हैं। आज मैथमेटिक्स की क्लास है, क्लास 10th, और जो टॉपिक है, जो टाइटल है इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो है सर्कल। ये पार्ट 1 है। सर्कल बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे जीवन में। सर्कल वो चीज़ है जिसने जिसको हम पहिया भी कहते हैं, व्हील भी कहते हैं, और व्हील ने हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की दी है, व्हील ने हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा पंख लगा दिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं सर्कल पार्ट 1। हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट मौजूद हैं, मिस सविता ग्राक। आप टीचर हैं गीता निकेतन आवासीय विद्यालय कुरुक्षेत्र में। सविता जी नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम इन द सेशन। जी नमस्कार राहुल जी, और हमारे सभी दर्शकों को बहुत अधिक शुभकामनाएं आज के दिन की। बिल्कुल, और सर्कल पार्ट 1 की मैं बात कर रहा हूँ। सर्कल आज आप पढ़ाने जा रही हैं, तो सर्कल की पृष्ठभूमि क्या है, क्लास 10th के बच्चों के लिए क्या मायने रखता है ये? जी बिल्कुल राहुल जी, अगर हम बात करते हैं सर्कल्स की, तो सबसे पहली बात, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, इट इज नॉट अ न्यू टॉपिक। सर्कल्स एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे बच्चे बहुत छोटी क्लास से, व्हेन दे वर इवन इन क्लास फर्स्ट, तब उन्होंने थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू कर दिया था कि किस तरह की शेप को सर्कल बोलते हैं, किस तरह की शेप को रेक्टेंगल बोलते हैं, किस तरह की शेप को हम स्क्वायर बोलते हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कल देखे, जैसे हमारे पास दिस इज अ बैंगल एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ सर्कल। इसी तरह से अगर हम अपनी किचन में जाते हैं तो द बेस ऑफ अ ग्लास, वो भी एक सर्कल का एग्जाम्पल हमारे लिए है। आपकी प्लेट, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सर्कल। लेकिन अगर आप बहुत सारे सर्कल्स या बहुत सारी प्लेट्स एक के ऊपर एक 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 करके रख देते हैं, तो जो शेप आपको मिलती है दैट इज अ सिलेंडर। तो अगर बात करते हैं एक सर्कल की, तो सर्कल इज अ टू डायमेंशनल फिगर। ये वो सब बातें हैं जो हमारे व्यूअर्स पहले से जानते हैं, लेकिन अभी हम थोड़ा सा मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं व्हाट इज अ सर्कल। सो व्हाट इज द डेफिनेशन, इट इज अ सर्कल इज द लोकस। लोकस वर्ड से हमारे बच्चे पता नहीं क्यों परेशान हो जाते हैं, जबकि लोकस का सिंपल सा मीनिंग है इट इज द पाथ, वो पाथ जिस पर कोई भी कर्व मूव कर रहा है। सो अ सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स इन अ प्लेन in such a way that its distance means the distance of that point from a fixed point. देखिए आपने यहाँ पर एक fixed point ले लिया, this is fixed point A, और इस fixed point से जितने सभी points एक fixed distance पर, distance AB पर move कर रहे हैं, तो ये जो path बन रहा है, ये पूरा जो path है, this is defining a circle. Okay. हम सीधे सीधे ये बात बोल सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा फिक्स रहता है। अगर आपने सेंटर पॉइंट को फिक्स मान लिया, उस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आपने मान लीजिए 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेते हुए एक पाथ बनाना शुरू किया, तो वो जो पाथ रहेगा उसके लिए हमेशा ये डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री विल ऑलवेज बी इक्वल। Whether it is distance AB, whether it is distance AC, whether it is distance AD, और हम कहीं भी इस पूरे पाथ पर पॉइंट लेंगे, तो उस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगा। तो क्या बोलते हैं हम इस फिक्स्ड पॉइंट को? This fixed point at the center is known as the center of the circle. और जो ये कांस्टेंट डिस्टेंस है, डिस्टेंस AC, और I can say distance AB, और I can say distance AD, ये सभी डिस्टेंसेस कांस्टेंट होने के कारण इक्वल हैं, और हम इस कांस्टेंट डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, तो रेडियस ऑफ द सर्कल को ही एक बार फिर से हम डिफाइन कर देते हैं। रेडियस ऑफ द सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट व्हिच इज जॉइनिंग द सेंटर एंड अ पॉइंट ऑन द सर्कल। तो दिस इज द सेंटर, दिस इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। अगर हम सेंटर को उस पॉइंट से जॉइन करेंगे, लेट अस हाईलाइट इट, तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस बन रहा है, दिस डिस्टेंस इज नॉन एज अ रेडियस ऑफ द सर्कल। एंड जनरली वी डिनोट द रेडियस बाय स्मॉल आर।
समटाइम्स हमें लगता है किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा फिगर है, तो हमें किसी एक फिगर के रेडियस को स्मॉल आर, दूसरी फिगर के रेडियस को कैपिटल आर या आर वन एंड आर टू की हेल्प से भी शो किया जा सकता है. सो इन दिस फिगर दिस ए बी इज रिप्रेजेंटिंग द रेडियस. इसी तरह से सेंटर से हम कितने भी पॉइंट्स ले लेते हैं अपनी बाउंड्री तक, दीज ऑल आर रिप्रेजेंटिंग द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. अभी मैंने जो वर्ड यूज किया दिस इज रेडियाई, सो व्हाट इज रेडियाई, इट इज द प्लूरल ऑफ रेडियस. एक है तो रेडियस, एक से ज्यादा है तो रेडियाई, और किसी भी सर्कल की टोटल कितनी रेडियस हो सकती है, इनफाइनाइटली मेनी, विच वी कैन सी हियर ऑन इन द फिगर एज वेल. रेडियस के बाद हम डिस्कस करेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. डियर व्यूअर्स, जैसे हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि कोई भी स्क्वायर की जो बाउंड्री है दैट इज नॉन एज इट्स पेरिमीटर, इसी तरह से जो सर्कल की बाउंड्री फ्रेम हो रही है, जो सर्कल का हमारे पास ये पाथ है, दिस विल बी नोन एज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. या हम सीधे से शब्दों में बात करें कि सर्कल के पेरीमीटर को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस. और सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला रहता है, दैट इज 2πr, वेयर पाई इज रिप्रेजेंटेड बाय 22/7, और वी कैन से वेयर पाई इज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस एंड द डायमीटर. तो अभी हमने जो वर्ड यूज किया डायमीटर, वी विल आल्सो डिस्कस कि डायमीटर होता क्या है इन आवर टुडे सेशन ओनली. उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कुछ एक पॉइंट. In this figure, we can see a figure here. इस figure में बहुत सारे points बने हैं. Point A, point B, C, D, E, F, R, many points are there. तो यहाँ पर जो points हैं, इनमें से कुछ points ऐसे हैं which are inside the circle. There are some points which are on the circle, or we can say on the boundary of the circle, and there are some points which are outside the circle. तो हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी पॉइंट है इनसाइड द सर्कल. सो दिस इज पॉइंट एफ, पॉइंट ई, पॉइंट सी, पॉइंट ओ इटसेल्फ, ओ एफ सी एंड ई. और यहां से ही हमें एक और बात पता चलती है कि कोई भी सर्कल ऐसा नहीं हो सकता जिसका सेंटर उसके एक्सटीरियर में एग्जिस्ट करे, सर्कल से बाहर एग्जिस्ट करे. सेंटर हमेशा सर्कल के इंटीरियर में रहता है. Next thing is the points lying on the circle, means on the boundary. So this is point P, point R and point S. ये तीनों points ऐसे हैं which are existing on the circle, not Q, these are P, R and S. अब देखते हैं कुछ ऐसे points which are not on the circle, which are not in the circle but outside the circle. One is point D, point G, point A and point B. ये चारों ही पॉइंट सर्कल के बाहर हैं, इसलिए हम इन्हें बोलेंगे दीज पॉइंट्स आर एग्जिस्टिंग आउटसाइड द सर्कल. ओके, पॉइंट्स के साथ हम रीजन को भी डिस्कस कर लेते हैं, द रीजंस ऑफ अ सर्कल. देखिए, जब भी मेरे पास कोई प्लेन पेपर है, दिस इज अ प्लेन शीट, एंड आई एम टेकिंग सम रेडियस एंड आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ अ सर्कल ऑन इट. तो सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमारी जो प्लेन शीट थी वो टोटल कितने हिस्सों में डिवाइड हो गई, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू एग्जैक्टली थ्री पार्ट्स. वन इज नोन एज द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, दिस इज द इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल. द अदर इज नोन एज द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, दिस इज द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल ऑन दैट प्लेन. एंड द थर्ड वन इज द बाउंड्री ऑफ द सर्कल. And here the boundary of the circle is this. Okay, the same can be seen here in the figure. The gray portion shaded inside the circle, this is the interior part, this is the exterior part, and the boundary itself, this is the circle itself. और अगर हम बात करेंगे circular region की, तो circular region will be known as the all the points existing on the circle, as well as on the points existing in the interior of the circle. इस रीजन को हम बोलेंगे सर्कुलर रीजन. तो हमने समझा कि इंटीरियर ऑफ अ सर्कल क्या है, एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल क्या है, एंड व्हाट डू वी मीन बाय सर्कुलर रीजन. आफ्टर दिस कोड ऑफ अ सर्कल. डियर व्यूअर्स, कोड ऑफ अ सर्कल के बारे में आपने बहुत अच्छे से क्लास 9th में डिस्कस किया है.
तो कोई भी ऐसी लाइन सेगमेंट, यहाँ हम देख सकते हैं देर इज अ लाइन सेगमेंट ए बी जो सर्कल की बाउंड्री पे एग्जिस्ट करने वाले किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर अवेलेबल होती है, उसे हम बोलते हैं कोड ऑफ अ सर्कल. इन दिस फिगर ए बी दिस इज नॉन एज द कोड ऑफ अ सर्कल. और अगर साथ ही हम बात कर लें कि किसी सर्कल में टोटल कितनी कोड्स हो सकते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड वी कैन से इनफाइनाइटली मेनी कोड्स कैन बी एग्जिस्टिंग इन अ सर्कल. कोड के साथ ही हम डिस्कस करेंगे, अभी हमने बात की थी कि वी विल डिस्कस डायमीटर. तो जो सबसे लंबी कोड रहती है, सबसे लंबी जिसे हमने बहुत सारी कोड ड्रॉ कर सकते हैं, उनमें से जो भी सबसे लंबी कोड होगी, यहां हम देख सकते हैं दिस पीक्यू इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ दिस सर्कल. और लॉन्गेस्ट कोड को ही हम बोलते हैं डायमीटर. या हम ये बोल सकते हैं कि वो कोड जो सर्कल के सेंटर से पास करती है, which is passing through the center of the circle, is known as the diameter of the circle. Diameter का जिक्र हुआ है, तो हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसी properties की, which are true in case of every circle. What these are? The first is diameter is the largest or longest chord of a circle, and the other is all the diameters of a circle are equal in length. अगर हम same circle में कुछ diameters draw करने की कोशिश करते हैं, means the line segments passing through the center of the circle. Okay. Yes. And along with it, it must be touching the boundary of the circle from both ways. If I am drawing this line or this line, so these all are known as the diameter of the circle. और सभी diameters की length जो है equal होती है. And one more thing, diameter is always double of the radius. रेडियस की लेंथ का हमेशा डायमीटर डबल होता है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि एक डायमीटर वन रेडियस एंड अदर रेडियस, टू रेडियस को जॉइन करने पर एक डायमीटर बनता है, बट इट इज अ फैक्ट दैट इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर. देन लेट अस डिस्कस अबाउट टू थ्री मोर थिंग्स. वन इज सेमी सर्कल. तो जैसे ही हमने एक सर्कल का डायमीटर ड्रॉ किया, हमारा सर्कल टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया. Okay. और इन दोनों ही पार्ट्स को हम बोलेंगे सेमी सर्कल. हाफ ऑफ द सर्कल ऑन वन साइड एंड अदर हाफ ऑन द अदर साइड, दीज आर नोन एज सेमी सर्कल्स. देन लेट अस डिस्कस कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स. जैसे क्लास नाइन्थ में हमने पढ़ा है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ऐसी सभी ट्राइंगल्स जिनकी तीनों साइड्स के इक्वल हो और तीनों एंगल्स के इक्वल हो, उन्हें हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. इन द सेम वे कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स भी उन दो सर्कल्स को आप बोलेंगे विच हैव इक्वल रेडियाई, जिनकी रेडियस एकदम इक्वल हो, जिनको एक दूसरे के ऊपर रखने पर आपके पास ओवरलैपिंग हो जाए, एक सर्कल के पीछे दूसरा सर्कल दिखाई ना दे. जैसे अगर ये हमारे पास फर्स्ट सर्कल है, इसकी रेडियस आर वन है, and for the second circle the radius is r2, and if for both of the circles r1 equals to r2, pehle circle ke liye bhi radius 4 aur dusre circle ke liye bhi radius 4 units ho, to hum in dono circles ko bolenge congruent circles. Congruent circles ke baad hi hum baat karte hain concentric circles. Concentric yani wo sabhi circles jinka center same ho, name se hi clear ho raha hai concentric. तो मैं एक ही सेंटर को लेते हुए कम रेडियस लेकर एक सर्कल बना रही हूँ, फिर थोड़ा ज्यादा रेडियस लेकर एक और सर्कल बना रही हूँ, फिर थोड़ा और ज्यादा रेडियस लेते हुए एक और सर्कल बना रही हूँ. तो दीज ऑल सर्कल्स आर नोन एज कंसेंट्रिक सर्कल्स. ओके, तो कंसेंट्रिक सर्कल्स के बाद हम बात करते हैं एक नया टॉपिक जो हमारे व्यूअर्स के लिए टोटली न्यू टॉपिक है. दिस इज सेकेंड ऑफ अ सर्कल. डियर व्यूअर्स, आपने अभी कोड के बारे में पढ़ा था. कोई भी ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल की बाउंड्री के एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जॉइन करती है. लेकिन सेकेंड क्या है? सेकेंड इज अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट्स अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. ओके, सो हम देख सकते हैं यहां पर एक लाइन है प्रेजेंटेड बाय द नेम पी क्यू. सो पी क्यू लाइन इज नोन एज अ सेकेंड, एंड दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट टू पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. एक चीज मैं बताना चाहूंगी राहुल जी अपने व्यूअर्स को, अगर ये कोई सर्कल है और सेम प्लेन पेज पर, सेम प्लेन पर मेरे पास एक लाइन भी एग्जिस्ट कर रही है,
तो एक प्लेन पेपर पर एक सर्कल और एक लाइन दो चीजें हो तो ऐसे तीन केसेस हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि सर्कल कहीं भी है और लाइन कहीं भी है, दोनों आपस में एक दूसरे से किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं है। लाइन को इंक्रीज करने पर भी वो सर्कल को कहीं भी नहीं कट करे, तो ये लाइन एंड सर्कल प्लेन में बस हैं और पड़े हैं। एक दूसरा केस हमारे पास हो सकता है कि हमारी जो लाइन है वो सर्कल को जस्ट टच करते हुए निकल जाए, यानी सर्कल को एक पॉइंट पर टच करे। और एक तीसरा केस हो सकता है कि ये लाइन सर्कल को दो पॉइंट्स पर कट करे, इंटरसेक्ट करे। तो ये जो हमने थर्ड केस डिस्कस किया, दिस इज नॉन एज द सेकेंड ऑफ अ सर्कल। और जो सेकेंड केस हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक लाइन सिर्फ टच करती है सर्कल को एट अ सिंगल पॉइंट, तो ऐसी शेप को हम बोलते हैं, ऐसी लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट ऑफ द सेम सर्कल। हम यहाँ फिगर में देख सकते हैं देयर इज अ सर्कल गिवन टू अस और देयर इज अ लाइन नेम्ड एज लाइन ए बी। ए बी लाइन एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है इसे टच कर रही है एट पॉइंट पी। तो हम बोलेंगे ये लाइन सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रही है, दिस कैन नॉट बी नोन एज द सेकेंड, दिस इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। और एक और बात यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि वो पॉइंट जिस पर ये टेंजेंट सर्कल को टच करता है यानी पॉइंट पी, तो पॉइंट पी को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, दिस इज नॉन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ओके, अभी टेंजेंट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, क्योंकि टेंजेंट हम अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं अपनी क्लास 10th में। तो सबसे पहला जो फैक्ट है दैट इज नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल। वो अंडरस्टूड है कि अगर मैं सर्कल के अंदर कोई पॉइंट ले लेती हूँ और सोचती हूँ कि इस पॉइंट से पास होता हुआ एक टेंजेंट बना देते हैं, तो इस पॉइंट से पास होने वाली जो भी लाइन होगी वो हमारे सर्कल को दो पॉइंट्स पर कट करने के कारण सेकेंड बन जाएगी, दैट कैन नेवर बी टेंजेंट। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। अगर हमने एक ही पॉइंट लिया है, हम इस चीज को डिस्कस करते हैं एक बार इस फिगर में, पॉइंट पी इज देयर, मैं सोचूं कि पॉइंट पी से एक टेंजेंट तो पास हो ही रहा है नेम्ड एज ए बी, मैं एक और टेंजेंट ट्राई कर लेती हूं कि सी डी भी इसका टेंजेंट बन जाए, तो सी डी जो है दैट कैन नॉट बी टेंजेंट। हम ये थोड़ा सा गैप जो है इस सेकेंड और सर्कल की बाउंड्री के बीच का वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट बिकम्स सेकेंड, यानी एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास हो सकता है। अगर हम कोशिश करेंगे कि एक और टेंजेंट पास हो जाए तो दैट विल बिकम अ सेकेंड टू दैट सर्कल। ओके, नेक्स्ट थिंग, टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट और वी कैन से फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। ओके जी, अगर मैंने सर्कल के बाहर ये पॉइंट ले लिया पॉइंट सी और मैं बाहर इस पॉइंट से कोशिश करती हूँ कि कितने टेंजेंट्स मैं बना सकती हूँ, तो वी कैन सी कि वन टेंजेंट इज दिस सी डी, अदर टेंजेंट इज दिस सी ई। तो बाहर एग्जिस्ट करने वाले किसी भी पॉइंट से ज्यादा कितने टेंजेंट्स बन सकते, एग्जैक्टली मुझे ज्यादा से ज्यादा भी नहीं बोलना चाहिए, एग्जैक्टली कितने टेंजेंट्स बन पाएंगे, टू। उसके बाद अगर हम कोशिश करते हैं यहाँ से और टेंजेंट बन जाए, या तो वो बिल्कुल सर्कल को टच ही नहीं करेंगे या तो वो सेकेंड की फॉर्म में सर्कल को दो पॉइंट्स पर कट करेंगे। राइट जी, इसके साथ ही हम डिस्कस करते हैं कुछ एक थ्योरम्स। सबसे पहले कि जो डिस्कस करने वाली बात है वो है कि ये दोनों ही थ्योरम जो है वो रिलेट करती हैं हमारे टेंजेंट को। टेंजेंट ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रही है, तो हम इन दोनों थ्योरम्स का पहले मीनिंग पढ़ते और समझते हैं एंड देन वी विल ट्राई टू प्रूव द रिजल्ट ऑफ दीज थ्योरम्स। फर्स्ट थ्योरम इज द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, तो लेट अस टेक अ पॉइंट नेम्ड एज पॉइंट पी ऑन आवर सर्कल और ये पी पॉइंट से पास होने वाला हमने एक ले लिया है टेंजेंट। लेट अस नेम दिस टेंजेंट एज टेंजेंट सी डी। हमें बताना क्या है कि टेंजेंट एंड रेडियस थ्रू द पॉइंट, उस पॉइंट से पास होने वाली रेडियस इज रेडियस ओ पी, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थ्योरम। वो गिवन थिंग में हम लिखेंगे दैट वी हैव बीन गिवन अ सर्कल विथ सेंटर ओ
एंड रेडियस वी कैन से ओपी. ओपी इज रिप्रेजेंटिंग द रेडियस ऑफ आर सर्कल. एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि पी पॉइंट पर टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज द राइट एंगल, क्योंकि ये दोनों चीजों को हमें परपेंडिकुलर प्रूव करना है. हमें प्रूव करना है ओपी इज परपेंडिकुलर टू सीडी. और इसी थ्योरम को एक और तरह से पूछा जा सकता है. व्हाट दैट इज, इट कैन बी आस्क्ड एज प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज अ राइट एंगल. हमें पता है वो पॉइंट जहां पर टेंजेंट सर्कल को मीट करता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहा जाता है. तो हमें प्रूव करना है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर ये जो एंगल बन रहा है दिस मस्ट बी 90 डिग्री. सो ये प्रूव करने के लिए हम हेल्प लेते हैं प्रीवियस नॉलेज की. हमें पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. एक एग्जांपल देखते हैं. जैसे हमने यहाँ एक पॉइंट ले लिया, लेट इट बी नेम्ड एज पॉइंट एक्स, और ये कोई भी लाइन है. अगर मैं x से इस लाइन l पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ, ओके, या फिर बहुत सारे और लाइन सेगमेंट ऐसा करके ड्रॉ कर देते हैं, तो इन सब में से कौन सा डिस्टेंस सबसे कम है? डिस्टेंस ex, qx, sx, rx और ax. तो हम साफ देख सकते हैं कि xs इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट अस डू कंस्ट्रक्शन. हम कुछ पॉइंट्स ही अपने टेंजेंट पर, लेट दीज बी नेम्ड एज, जो पॉइंट्स हमने अभी यूज ना किए हो, लेट दीज बी के एल एम. लेट अस टेक थ्री पॉइंट्स ऑन आर टेंजेंट एंड वी आर ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स फ्रॉम द सेंटर. हमने ओ के, ओ एल और ओ एम को ज्वाइन किया, और इनको ज्वाइन करने के समय हम देख सकते हैं कि ये सभी हमारे सर्कल को कुछ पॉइंट्स पर कट कर रहे हैं. तो जिन पॉइंट्स पर कट कर रहे हैं हम इन पॉइंट्स को भी नेमिंग दे देते हैं. लेट इट इज बी पॉइंट आर, पॉइंट क्यू, पॉइंट एस. तो राहुल जी यहां से हमें समझ आता है, अगर हम ये डिस्टेंसेस देखते हैं ओ आर, ओ क्यू, ओ पी एंड ओ एस, दीज ऑल आर इक्वल. इक्वल, यस. व्हाई दीज आर इक्वल? बिकॉज दीज आर द रेडियाई ऑफ द रेडियाई. यस जी, बिल्कुल. अब अगर मैं बात करती हूँ डिस्टेंस ओ के की, क्या हम लिख सकते हैं ओ के इक्वल टू ओ आर प्लस आर के? ओ आर प्लस आर के. और हम लिख सकते हैं इन प्लेस ऑफ ओ आर ओ पी, क्योंकि ओ आर भी रेडियस है, ओ पी भी रेडियस है, और ये दोनों इक्वल है. तो ओ आर के प्लेस पर ओ पी हमने लिखा प्लस आर के. आर के दिस एक्स्ट्रा डिस्टेंस अप टू द टेंजेंट. तो यहां से मैं डायरेक्टली बोल सकती हूं दैट ओ के इज ग्रेटर देन ओ पी, क्योंकि ओ पी में कुछ प्लस करने के बाद ओ के बनता है. देयरफॉर ओ के इज ग्रेटर देन ओ पी. सिमिलरली अगर हम बाकी सभी डिस्टेंसेस को देखते हैं, दैट मीन्स डिस्टेंस ओ एल, जो हमने दूसरा पॉइंट एल लिया था अपने टेंजेंट पर, हम बोल सकते हैं कि ओ एल भी ग्रेटर है देन ओ क्यू एंड हेंस ओ पी. सिमिलरली ओ एम डिस्टेंस भी ज्यादा है ओ एस से, दैट मीन्स ओ पी से, क्योंकि ओ एस, ओ क्यू, ओ आर ये सभी ओ पी के इक्वल है. तो हम साफ देख रहे हैं कि हम टेंजेंट से पॉइंट ओ के जितने भी डिस्टेंसेस लेते हैं वो सभी ज्यादा हैं हमारे डिस्टेंस ओ पी से. That means we can say that OP is the shortest distance. और अगर OP shortest distance है, तो हमने अभी बात की थी, समझा था कि shortest distance ही perpendicular distance होता है. Therefore, OP is perpendicular to CD. Right. So this is one of the important theorem from the topic circles. And let us now discuss the next theorem. This is theorem number two. And these are the only two theorems which our students needs to learn to prove. हमें सीखने की जरूरत है कि हमें प्रूफ कैसे करनी है. इसके बाद हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, those will be related to the proof of these theorems. और I must say, result को use करते हुए हम questions को prove करें. तो दूसरी theorem जो है, that is very very easy for our viewers. It is, if two tangents are drawn to a circle,
फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी हम देख सकते हैं यहाँ पर जो दो टेंजेंट्स हैं दीज आर टेंजेंट पी ए एंड पी बी और हमें प्रूव करना है दीज टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ. एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं उन दोनों की लेंथ हमेशा इक्वल होती है, ये हम प्रूव करना चाहते हैं. इसके लिए हम हेल्प लेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स की. फॉर द सेम हमने ज्वाइन किया है हमारी रेडियस ओ ए ओ बी को और साथ ही हमने सेंटर को एक्सटर्नल पॉइंट पी से ज्वाइन किया है. ऐसा करते ही हमारे पास दो ट्राइंगल्स नेम्ड एज पी ओ ए एंड ट्राइंगल पी ओ बी बन जाते हैं. अब हम बस इतना ही प्रूव करेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. Right. Viewers, can we say that PO and PO are equal? Yes. For both of the triangles? Yes. Because this is common. इसी तरह से OA और OB को भी equal बोला जा सकता है. Yes, they are the radii. और तीसरी चीज जो अभी हमने पिछली वीडियो में प्रूव की कि किसी भी रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो हमेशा राइट एंगल होता है. So I can say that angle 1 is equal to angle 2. Angles by RHS, right? Hypotenuse side की help से congruent हो जाती हैं और कोई भी दो congruent triangles अगर हैं उनके remaining parts भी equal होते हैं. Therefore, we can say that PA is equal to PB by corresponding parts of congruent triangles. Right. So this is the second theorem for today. Rahul ji, our session completes here. We will proceed ahead in our next session. With a few questions जो इन्हीं theorems के result से belong करते हैं. बिल्कुल, मुझे लग रहा है theorem 1 और theorem 2 जो है बच्चों को homework खुद ही करना चाहिए और ये concept जो clear हुआ है ताकि part 2 में जो है बेहतर तरीके से circle को समझा जा सके. जी बिल्कुल. सविता जी आप हमारे साथ जुड़ी, आपने मैथमेटिक्स क्लास 10th का ये सेशन पढ़ाया समझाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका. जी बहुत बहुत धन्यवाद. हमारा ये मैथमेटिक्स का सेशन यही समाप्त होता है. आप कहीं मत जाइएगा, अभी थोड़ी ही देर में हाजिर होते हैं पीएमई विद्या चैनल्स पर. नमस्कार.